वेलकम दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि अगर हम पंजीयन कर चुके तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं सुधारना है, या फिर जाति प्रमाण पत्र में हो गया, नाम हो गया, आधार डिटेल हो गई, जितनी भी डिटेलें हैं रिवर पोर्टल पे जब पंजीयन कर चुके हैं तो उसको अपडेट करना है। तो हम अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सरल मेथड है। अभी मैं आप लोग को कंप्लीट करके पूरा दिखाऊंगा प्रोसेस, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। तो अभी मैं आप लोग को बता चैनल वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता रहा हूँ कि जो लोग नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे कुछ वीडियोस जो अपडेट्स हैं वो जान लें, और मेरे बारे में जानने के लिए अबाउट से देख लें। और आप लोग को मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ, देता हूँ दोस्तों, कि आप लोग की हेल्प की वजह से आज मेरे 1400 व्यूज़ हो चुके हैं और सब्सक्राइबर 198 हो चुके हैं। तो ऐसे ही थोड़े अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, कुछ पार्टनर्स जो जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं एक अच्छा यूट्यूबर तो नहीं बट एक अच्छा हेल्पर बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ से भी लॉग इन करते हैं लॉग इन कर लेंगे वेबसाइट में, और ऑनलाइन सेवा पे क्लिक कर लेंगे। ये डायरेक्ट एसएस की हो गई, जब आप कहीं से भी ओपन करके यहाँ पास आ सकते हैं। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये ऑप्शन एक दे रहा है, यूज़र आईडी और एक पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे कि जब हम पंजीयन कर लेते हैं उसके बाद हमको एक यूज़र आईडी एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो यूज़र आईडी तो वैसे ही सबको मिल ही जाता है, कुछ लोग को पासवर्ड नहीं मिलता। तो अगर यूज़र आईडी भी नहीं मालूम है तो यहाँ फॉरगेट यूज़र आईडी क्लिक करके आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम, यानी कि जो प्रोफाइल जब भरे थे फॉर्म तो आधार के अनुसार नाम जो इंग्लिश में आया था तो उसको डाल देंगे। ये आधार और आधार के नाम अनुसार ये हो जाएगा। उसके बाद आप जब यूज़र नेम मिल जाएगा तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके और आधार नंबर डाल करके और ओटीपी, आधार ओटीपी वाला ऑप्शन चयन करके ओटीपी डाल के पासवर्ड रिसेट कर लेंगे और नया पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद आप लोग जब पासवर्ड रिसेट कर लेंगे और यूज़र आईडी भी, तो आप लोग के पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी दोस्तों। तो जब पासवर्ड यूज़र आईडी आ जाएगा तो यूज़र आईडी डाल देंगे, पासवर्ड आएगा तो पासवर्ड डाल देंगे। अभी मैं एक लोग को लॉगिन किया हूँ, अभी आप लोग को दिखाता हूँ, कैप्चा कोड डाल देंगे। बहुत आसान तरीके से बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ऐसे तो मेरे को लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग को ज़्यादा प्रसाई ज़्यादा नहीं समझा पाती हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोग बता सकूँ, स्पष्ट कर सकूँ। ये जो लॉगिन कर लिए तो इस तरह का पेज ओपन होगा। इसके बाद अपडेट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, और अगर आधार डिटेल अपडेट करना है तो अपडेट कर लेंगे। जैसे कुछ भी मान लीजिए जो डले हुए हैं, तो इनमें जिसमें भी प्रॉब्लम हो, इसमें अगर प्रॉब्लम हो तो संशोधित कर, यहाँ से संशोधित कर देंगे। ई के वाई सी विकल्प अच्छे हैं, अब ई के वाई सी कराना है तो ई के वाई सी करा लेंगे। यहाँ पास ये आ गया, इस पे जो भी चेंज करना चाहें हम, जिला, टिकरी, गांव, नाम, ईमेल एड्रेस डालना चाहते हैं तो सबमिट कर देंगे। सफलतापूर्वक अपडेट किया गया, ये हमारा अपडेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, दूसरा अपडेट। मान लो अब हमारा क्या प्रॉब्लम हो रही है, आधार डिटेल तो अपडेट कर लिया, अब जाति प्रमाण पत्र का नंबर गलत है तो यहाँ से संशोधित करके हम जाति प्रमाण पत्र का नंबर और जारी डेट डाल के सुधारेंगे। समग्र आईडी गड़बड़ है तो यहाँ समग्र आईडी, आय आय घोषणा गलत है तो आय घोषणा पे सुधार कर लेंगे, और निवास में प्रॉब्लम है तो निवास वाला कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम, ये जो रास्ते हैं, इसके बाद ये सब संशोधित कर लेंगे। उसके बाद प्रिंट पावती पे क्लिक करके जो भी संशोधन कर लेंगे तो उसकी पावती प्रिंट कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पास से पावती प्रिंट करके सेव करके प्रिंट कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों तरीका, जो आप लोग फॉलो करके किसी भी व्यक्ति का जो भी प्रॉब्लम्स रही हो तो अपडेट कर सकते हैं।
अब इसके बाद कई लोग मुझसे भी पूछे हैं, मैं उस पर भी बता रही हूँ, बट उतने समय आपका सच से बात उतने समय बता नहीं पाया लाइव करके दोस्तों, क्योंकि उतने समय मेरे पास कस्टमर कोई नहीं थे। तो अभी मेरे को आज टाइम मिला है वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो मैं संडे को वीडियो बनाने की सोचा था, बट टाइम न मिलने के कारण गलती हो गई। तो जिनका प्रोफाइल पंजीयन हो चुका है, पावती प्रिंट नहीं हुई है, तो वो कैसे पावती फिर से प्रिंट करेंगे? कहीं से भी रजिस्टर किया हो, चाहे एमपी ऑनलाइन से या सीएससी या फिर डायरेक्ट, रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, ये जरूरी रहता है। अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो पावती नहीं निकलेगी, अगर रजिस्टर्ड हो गया है तो पावती निकलेगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम यूजर आईडी पासवर्ड मालूम है तो लॉगिन कर लेंगे। वैसे तो मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव मांगा है, यानी कि आईडी पासवर्ड तो आएगा ही मोबाइल में, तो ये आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड रिसेट कर लेंगे, फॉरगेट जो भी करना होगा, जो भी जरूरत होगी कल के लॉगिन कर लेंगे। फिर लॉगिन करने के बाद लॉगिन कर लिए, डैशबोर्ड खुला। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे प्रोफाइल अपडेट पे जाएंगे और यहाँ से प्रिंट पावती पे क्लिक करके रिसिप्ट निकालेंगे। ये हम कहीं से भी कर सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि हम क्या कहते हैं जब डायरेक्ट एसेस करके करें तभी पावती प्रिंट कर पाएंगे, या फिर जैसे एम पी ऑनलाइन करेंगे उसे, यानी रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए तभी पावती प्रिंट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वीडियो कितनी यूजफुल लगी, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सल्यूशन मिले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे, और बताइएगा कि आप लोग को हम कितनी हेल्प दे रहे हैं। तो अभी बाय बाय, टाटा, अपना अपना ख्याल।